मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले की महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक नीरज दीक्षित को मोबाइल पर अश्लील वीडियो भेजकर ब्लैकमेल करने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए राजस्थान से एक आदिल नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। इसने अपना जुर्म कबूल करते हुए और भी कई रहस्य खोले हैं जो कि चौंकाने वाले हैं। एसपी सचिन शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि महाराजपुर विधायक नीरज दीक्षित द्वारा 21 मई को थाना गढ़ी मलहरा में शिकायती आवेदन दिया था। इसमें जिक्र किया था कि एक अज्ञात महिला ने अपने मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप पर कई बार मैसेज किए और फिर वीडियो कॉल करते हुए आपत्तिजनक स्थिति में आकर स्क्रीन रिकॉर्ड करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजकर ब्लैकमेल किया कि यह सोशल मीडिया में वायरल कर दूंगी। उधर विधायक की शिकायत को पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए अज्ञात महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। वहीं छतरपुर एसपी सचिन शर्मा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एक टीम गठित की जिसके द्वारा सर्चिंग शुरू की गई तो पता चला कि राजस्थान क्षेत्र में इस मोबाइल की लोकेशन मिल रही है। इसके बाद टीम को राजस्थान रवाना किया गया जहां पर राजस्थान पुलिस की मदद लेते हुए सीकरी तहसील नगर जिला भरतपुर पहुंचकर 19 वर्षीय युवक आदिल पिता रकमुद्दीन निवासी नक्चा कावास को गिरफ्तार कर छतरपुर लाया गया। आरोपी युवक ने पुलिस से अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि हम सोशल मीडिया की साइट के माध्यम से हाई प्रोफाइल व्यक्तियों की मोबाइल नंबर तलाश कर उनसे कांटेक्ट किया करते थे और उन्हें अपने चंगुल में फंसाने का प्लान करते थे। इसमें हमने अभी तक 21 लोगों को ऐसे ही साइबर एक्सटोर्शन कर 14,22,000 रुपये वसूले हैं। इस हुनर को गाँव के रमजान नामक युवक ने सिखाया था और इसमें इस्तेमाल होने वाली मोबाइल से लेकर सिम सहित रमजान ही उपलब्ध कराता था, जिसमें ब्लैकमेलिंग की कमाई का 20% कमीशन रमजान को देना होता था। इस ब्लैकमेलिंग को अब तक गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बेंगलोर जैसे शहरों में किया जा चुका है। छतरपुर जिले के थाना गढ़ी मलहरा अंतर्गत एक शिकायत प्राप्त हुई थी जो साइबर एक्सटॉर्शन की कैटेगरी में आती है। इसमें इस अपराध पंजीवृत किया गया IPC 385 व IT एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत। इसमें विशेष टीम गठित की गई और राजस्थान पुलिस के सहयोग से जो थाना सीकरी अंतर्गत एक गांव आता है नक्ची का वास, वहां पे टीम के द्वारा दबिश दी गई। इसमें जो मुख्य आरोपी था आदिल जो पकड़ा गया है, उसके माध्यम से ये पता लगा है कि इसकी ट्रेनिंग उसी के गांव के रमज़ान ने कराई थी और इनको जो सिम्स हैं और बाकी जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट है वो रमज़ान ही दिलाता था और 20% जो उसकी कमाई का या कलेक्शन का होता था वो उसको देता था। इसने अभी तक लगभग 21 व्यक्तियों को अपना शिकार बनाया और लगभग 14 लाख की ठगी उसने इन लोगों से अभी तक की है। इसके पास से 3 मोबाइल जब्त किए गए हैं और शिकार जो ये बनाते थे वो सोशल मीडिया एनालिटिक्स या फिर फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे जो IDs बनी होती हैं, खासकर जो महत्वपूर्ण लोग होते हैं उनकी ये लोग ID की सर्च करते थे, स्कैन करते थे, उसके बाद व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग करके एक वीडियो प्ले करते थे जिसमें सामने वाले को ऐसा लगता था कि उससे किसी महिला ने गलत अवस्था में बात की है। उसके बाद ये लगातार मैसेज करते थे कि यदि आपने पैसे नहीं दिए तो पूरी उनकी बदनामी की जाएगी। इस तरीके से एक्सटॉर्शन का जो खेल था वो लगातार राजस्थान से पूरे राजस्थान के जो गांव है उससे लगातार पूरे देश में चल रहा था। अभी ये जो मोबाइल इसके पास से जब्त हुए हैं उसको साइबर की जो हमारी हेडक्वार्टर्स है भोपाल भेजा जाएगा और इसकी पूरी फोरेंसिक जाँच की जाएगी। विधायक जी ने यही शिकायत की थी कि कोई अनजान व्यक्ति है जो उनको वीडियो कॉलिंग के माध्यम से ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। इसमें पैसे की डिमांड की थी पर कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, वरदान एक्सप्रेस।